अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान है। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी हम समझा नहीं पाते। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वह व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है दिल में नहीं। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, और आत्म सम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है कि हम बुरे लोगों की बुरी आदतों को छोड़कर उनमें अच्छी बातों को तलाश करें। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है, तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी न लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं, तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। आशाएं ऐसी हों जो मंजिल तक ले जाएं। मंजिल ऐसी हो जीवन जीना सिखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। इसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है, उसका एक दिन मरण होता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, उसका हमेशा स्मरण होता है। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। दुख देखना है तो पीछे देखें,
सुख देखना है तो आगे देखें, और यदि इन दोनों से परे सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की आंख से देखें। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आंखों में पानी रखो और हमेशा होठों पर चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें अपने जीवन में बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिल रास्ते सब आवाज देते हैं। सफर को हमेशा अपने जारी रखो। मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए।